बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैंटास्टिक फूड कुकिंग में आज एक और बड़ी मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी बनने लगी है और यह है चिकन रोस्ट। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चिकन है मेरे पास, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो के दरमियान इसका वेट है। होल चिकन है, पीसेस नहीं करवाए हुए और ना ही मैंने इसको बहुत से कहते हैं कस के क्लियर किया है। इस पर थोड़ा थोड़ा चिकना लगा हुआ है, जिसको अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि चर्बी, क्योंकि जब रोस्ट या कोई पुलाव बनता है तो इसमें आर्टिफिशियल जो है चिकना डालने से कहीं बेटर होता है कि जो गोश्त के साथ अपना चिकना है वो मेल्ट हो। उसके बाद 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबलस्पून दही है, ये 4 टेबलस्पून सिरका है सफ़ेद, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट मसाला है पेरी पेरी पाउडर, ये मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया हुआ है। उसके बाद ये है चाट मसाला। अभी तक आपने चाट मसाले से जो है फ्रूट चाट बनाई होगी, आलू चने खाए होंगे, लेकिन आज के बजाय इस मसाले से बनेगा रोस्ट, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है। ये खाली वेसल रखा है मैंने, जिसमें मैं पहले एक मसाला बनाऊंगी, फिर उसके बाद जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देन बाकी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं उनमें ये है सोया सॉस, येलो फूड कलर और धागा। जी हाँ, धागा भी जो है ये इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसको कहाँ पे कैसे डालना है, यूज़ करना है, ये मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चिकन रोस्ट बहुत ही यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको ये लाजमी पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये फ्रेश चिकन है और फ्रीजर का चिकन नहीं है, ये जल्दी टेंडर हो जाएगा, जल्दी गल जाएगा। और सबसे पहला स्टेप है इसको कट लगाने हैं, डीप कट्स। और वो कैसे लगाने हैं, ऑब्वियसली सबको पता ही है कि रोस्ट पे किस तरह डीप कट्स लगते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने 3 लगाने 4 लगाने, डीप कट्स इस तरह से जो है आप सारे मीट पे लगा दीजिए मुनासिब फासले के साथ। कट लग गए, अब इसके बाद इस तरह से आपने फोक लेना है और फोक से भी इसको चॉप कर देना है, जस्ट लाइक दिस। अब इसके बाद इसको करना है साइड पे और बनना है बाकी का मसाला। सिरका, इस पे जाएगा फूड कलर, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं आपने थोड़ा सा। अब ये सिरका जो है इसके ऊपर आपने सारा इस तरह से पोर कर देना है। और अब इसको सिरका और ये फूड कलर लगा के मैरिनेट होने के लिए रख दें, मैं साथ साथ बनाऊंगी मसाला। पेरी पेरी पाउडर जो है वो मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, थाइम और इसके अलावा नमक और बहुत सारे मज़े के मसाले ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं। अब ये 3 टेबलस्पून ही ले लीजिए, ये थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा, ये मैं पहले ही ऐड कर दूं। अब इसमें डलेगा 2 टेबलस्पून चाट मसाला, किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद है आपने यूज़ कर लेना है और फिर इसको मिक्स कर देना है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और दही को रोस्ट के ऊपर जो है वो लगा देना है, इस तरह से लगाइए, इसको बाद में हाथ से जो है वो सेट कर दीजिए। अब ये दही हर कट में कोशिश यही करनी है आपने, अच्छी तरह से पहले सिरका फूड कलर जाए, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर जो है ये दही हर कट में, और सेम प्रोसीजर एंड प्रोसेस जो है वो इनसाइड आपने जो है यहाँ पे भी मसाला लगा देना है अच्छी तरह से। तरह से जो है मसाला
के ट्रेन से ऊपर लग सकते हैं। थोड़ा मैसी हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं सारा बाद में क्लियर कर दूंगी किचन काउंटर को। ये मैंने यहाँ भी अंदर भी जो है इस तरह से मसाले की इस तरह से हर कट को फिल करना है। ये स्पाइसी बनेगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इट वुड बी सो स्पाइसी। अब इस पॉइंट पे इस पे रैंडमली स्प्रिंकल करनी है सोया सॉस 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं फिर से एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि हाथ से मसाला लगाने से जो टेस्ट निकलता है वो चम्मच या स्पैचुला से मसाला लगाने से कभी भी नहीं बनता। इसलिए ऑब्वियसली खाना बन रहा है, हाथ साफ होते हैं, तो अपने हाथ से सारा मसाला लगाइए। बस यहाँ पे जो सोया सॉस है इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। अब आएगी धागे की बारी। थ्रेड लिया आपने, ये मेरा प्यारा सा शाही कुकर, 1 टेबलस्पून इसमें से ऑयल डलेगा। इसके बाद इसमें रख देना है आपने चिकन को। और ये जितना भी मसाला है ये सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल करें। अब इसको 25 मिनट के लिए ढांप के रख देना है मुनासिब सी आग पे, ताकि चिकन और दही अपना पानी छोड़ दे। चिकन ने पानी छोड़ दिया हुआ है, अब इस पॉइंट पे इसको टर्न कर देना है। चिकन को मैंने टर्न कर दिया है। इस पोजीशन में भी इसको तकरीबन आपने 10 मिनट पकाना है। पहले 15 मिनट पक चुका है, अब 10 मिनट तो इसमें ये पूरा गल जाएगा। एज यू कैन सी आपको नजर भी आ रहा होगा कि चिकन का मीट जो है वो काफी हद तक टेंडर हो चुका है। ढक के रख दें, मुनासिब सी आंच पे इसको पकने दें। इन द मीनवाइल जब तक चिकन पक रहा है एक डिप बना लेते हैं। ये मेरी बड़ी फेवरेट डिप है, बड़ी क्विकली बन जाती है। ये मैंने ऑलरेडी बनाई है जो फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी अपलोड की थी उसमें भी, और जो शवारमा था शवारमा प्लेटर उसके लिए मैंने ये डिप बनाई थी। इसमें क्या है, 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 4 टेबलस्पून मायोनीज और 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट है। आपकी मर्जी है, आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको सिंपली मिक्स करना है और ये डिप रेडी होगी। इसमें कोई एडिशनल नमक मिर्च या सॉसेज या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन ऑलमोस्ट टेंडर है, अब इस पॉइंट पे तेज़ आंच करके इसका सारा पानी जो है वो खुश कर देना है और चिकन को फुल आपने टेंडर कर देना है। अब मुझे बहुत ज़्यादा तेल में तैरता हुआ रोस्ट नहीं पसंद। अब बिल्कुल हल्का सा जो है इसको शैलो फ्राई करना है, थोड़ा सा ऑयल लेके, बस इतना सा, इट्स मोर देन एनफ। फुल गर्म है चिकन, रोस्ट तैयार है, इसको बस हल्का सा शैलो फ्राई करना है। इस पर दूसरी साइड से भी थोड़ा सा मसाला दे उसको लगा दीजिए। इट्स डन, नाउ सर्व इट। मजेदार सा चिकन रोस्ट तैयार है। अगर आपने अभी तक फैंटास्टिक फूड कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस फैंटास्टिक फूड रेसिपी को ज़रूर ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और क्विक सा चिकन रोस्ट बनाएं और सबसे तारीफ करवाएं।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफिज़।